हाँ सर, यस नमस्कार, मैम। बहुत स्वागत है आपका ई विद्या चैनल नंबर 9 में, और आपके साथ अगले आधे घंटे के इस सफ़र में मैं याशु गांधी। और इस समय हम अपने क्लास 9th के बच्चों के लिए लेकर आए हैं साइंस का विषय, जिसमें हम आपको जो टॉपिक है वो आज डिस्कस करेंगे, वो है टिश्यूज़। और इसे आपको विस्तार से बताने के लिए जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट विषय विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं, आइए आपका भी उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हैं पीजीटी बायोलॉजी मिस्टर राजेश कुमार सर। सर, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू यू इन दिस सेशन। नमस्कार सर। तो सर से हम टिश्यूज़ के बारे में इस विषय पे विस्तार से समझेंगे। उससे पहले एक ख़ास बात कि स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नंबर सेव नहीं है तो आप सेव कर लीजिए, और इनके माध्यम से आप विषय से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। अगर आपको अपना कोई फीडबैक साझा करना है तो आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता भी आपको लगातार स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप उसके माध्यम से भी कर सकते हैं हमसे संपर्क। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और करते हैं विषय की शुरुआत। सर, टिश्यूज़, हमारे क्लास 9 के स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं कि आप विस्तार से उनको समझाएं। ओवर टू यू सर। सेशन में हम लोग सीखेंगे कि एनिमल टिश्यूज कैसे लोग होते हैं और क्या फंक्शन करते हैं, कितने टाइप के एनिमल टिश्यूज होते हैं। हम ये सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज के सेशन का हमारा जो एक्चुअली बेसिक जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या होंगे, हम पहले उसको देख लेते हैं। हमारा जो पहला लर्निंग आउटकम होगा कि वी विल बी डेफिनेटली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड करेक्टराइज एनिमल टिश्यूज। इसके साथ साथ में हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इपिथीलियल टिश्यूज के बारे में भी हम लोग पहचान लेंगे, तो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। और इसके साथ में हम एक और हमारा इम्पोर्टेंट टिश्यू पढ़ेंगे, आज डिस्कस करेंगे, वो है मस्कुलर टिश्यूज। उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम डेफिनेटली हम लोग इसको इजिली हम समझ सकते हैं और हम आइडेंटिफाई कर। एट द लास्ट जो और हमारा जो आउटकम होगा वो होगा कि वी विल बी एबल टू डिफरेंशिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, दैट इज स्ट्रिएटेड स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। वी विल बी एबल टू डिफरेंशिएट, ये हमारे बेसिक आज के लर्निंग आउटकम्स होंगे हमारे सेशन। तो हम इसी को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में सभी बच्चों के बैठता है कि आखिर ये टिश्यूज में प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज, इनमें डिफरेंसेस क्यों होते हैं? ऐसा क्या वजह है कि एनिमल टिश्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट टिश्यू? उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, बिकॉज प्लांट और एनिमल्स दोनों का जो ग्रोथ पैटर्न है दैट इज क्वाइट डिफरेंट। बिकॉज ऑफ डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न, और यहाँ तक कि उनका जो रिस्पॉन्डिंग एबिलिटी होती है एनिमल्स की और प्लांट्स की, ये भी डिफरेंट होती है अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसीलिए एनिमल टिश्यूज डिफरेंट होते हैं प्लांट टिश्यूज की तुलना। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो कि एनिमल्स जो होते हैं ये यूजुअली इनमें जो ऑर्गन सिस्टम है या ऑर्गन्स होते हैं दे आर वेरी मच स्पेशलाइज्ड, एंड बिकॉज ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स हैव सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू, दे नीड सम डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, और इसीलिए एनिमल टिश्यूज प्लांट टिश्यू से डिफरेंट हो। ये हमारा पहला क्वेश्चन हर बच्चे के दिमाग में आ रहा है। तो अब हम आज डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में डिटेल में। एनिमल टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, पहले हम ये बात करते हैं। और एनिमल टिश्यूज को मेनली हम फोर कैटेगरीज में डिवाइड। वन इज द एपिथेलियल टिश्यू, अंदर इज मस्कुलर टिश्यू, एंड थर्ड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, एंड लास्टली वी विल डिस्कस नर्वस टिश्यू। नाउ दिस फोर, आउट ऑफ दिस फोर वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे इपिथीलियल टिश्यूज के बारे में। इपिथीलियल टिश्यू दे आर द प्रोटेक्टिव टिश्यूज एंड ऑल द बॉडी ऑर्गन्स दे आर कवर्ड बाय दिस।
That's why it is a covering actually. This is a protective covering of a tissue around all the organs of the body. यहाँ तक कि जो हमारी बॉडी की कैविटीज होती हैं उनकी भी इनर लाइनिंग इसी प्रोटेक्टिव टिश्यूज की होती है। और ये जो आपका इपिथेलियल टिश्यू है ये हमेशा ऑर्गन के ऊपर एक कॉन्टिन्यूस सीट सेल्स की बन जाती है एंड सेल्स आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। इसमें सेल्स जो हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होकर के कॉन्टिन्यूस सीट बन जाती है दैट इज कॉल्ड इपिथीलियम। अब चूंकि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है उसका फंक्शन नेचुरल है ये टिश्यू हमेशा हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं दे विल प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस। और साथ साथ में इनका एक और इम्पॉर्टेंट काम ये हमारे जो सब्सटेंसेस का जो एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का उसको भी ये हेल्प करते हैं एक्सचेंज करने मीन्स दे ऑल्सो रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। ये मेनली हमारे इपिथीलियल टिश्यूज के फंक्शंस। अब अगर हम लोग इपिथीलियल टिश्यूज की बात करें तो ये कितने टाइप के होते हैं इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कितने टाइप। तो ब्रॉडली इनको हम फोर कैटेगरीज में डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस। वन इज द स्क्वैमस इपिथीलियम, नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल इपिथीलियम एंड थर्ड वन इज कॉलमनर, द लास्ट वी विल डिस्कस सीलिएटेड इपिथीलियम। ये ब्रॉडली चार कैटेगरीज में होता है। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं इनमें क्या डिफरेंसेस हैं इसके स्ट्रक्चर में और फंक्शंस में। अगर हम स्क्वैमस इपिथीलियम की बात करें तो स्क्वैमस इपिथीलियम कंप्राइजेस ऑफ थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, यानी यहाँ पर जो सेल्स हैं वो फ्लैट होती हैं जिनकी बाउंड्रीज आर इररेगुलर, दे आर थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज। और इसके साथ में ये पाई कहाँ जाती हैं तो सिंपल है कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ये हमारी जो माउथ की इनर लाइनिंग है दैट लाइनिंग इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। इसके साथ साथ में जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी भी लाइनिंग जो है स्क्वैमस एपिथेलियम। अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो हमारी स्किन होती है स्किन भी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है बट ये मल्टी लेयर्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर हमने देख रहे हैं, ये फिगर के लिए स्किन का एक सेक्शनल व्यू है जिसमें अपर लेयर्स जो हैं ये सब स्क्वेमस इपिथीलियम की, ये मल्टी लेयर इपिथीलियम। नॉर्मली इपिथीलियम सिंगल लेयर होता है लेकिन यहाँ पर स्किन इज एग्जांपल ऑफ ये मल्टी लेयर इपिथीलियम। और मल्टी लेयर इपिथीलियम को हम स्पेशली एक नाम दे देते हैं, नया नाम दे देते हैं, इसको हम स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम। इस तरीके से स्किन इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटिफाइड। लेकिन अब हम सेकेंड कैटेगरी में देखें आगे बढ़ें तो वो है क्यूबॉइडल एपिथीलियम। उसके पहले देखिए हमने एक सिंपल सा स्लाइड बनाई थी स्किन को माउथ कैविटी के सेल्स को, और माउथ कैविटी के सेल्स को हम लोगों ने व्यूज में लिया था। इसके बाद अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं क्यूबॉइडल एपिथीलियम। क्यूबॉइडल एपिथीलियम मेनली द सेल्स आर क्यूब लाइक, इसका मतलब इनका जो सेल्स हैं वो क्यूब लाइक ही होती हैं और ये सेल्स यूजुअली हमारी जो बॉडी की ग्लैंड्स हैं उनमें पाई जाती हैं, दे आर प्रेजेंट इन ग्लैंड्स। यहाँ तक कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं यानी जो हमारी किडनीज में जो नेफ्रॉन्स हैं नेफ्रॉन्स भी इसी टाइप के इपिथीलियम के बने हुए। और इनका जो मेन फंक्शन है क्यूबॉइडल एपिथीलियम का वो होता है एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी जो सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं साथ साथ में ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं एक्सक्रीट करते हैं और यूजफुल सब्सटेंसेस को सिक्रीट भी करते हैं। ये आपका हम लोगों ने क्यूबॉइडल एपिथीलियम की बात की। अगर हम क्यूबॉइडल एपिथीलियम के बाद आगे मूव करते हैं कॉलमनर एपिथीलियम। कॉलमनर इपिथीलियम इसमें सेल्स दे आर इलांगेटेड टॉल, और ये टॉल सेल्स हैं इलांगेटेड हैं सिलेंड्रिकल होती हैं लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियाई हैं दे आर लाइज एट द बेस ऑफ द सेल्स। और ये यूजुअली हमारे जो स्टमक है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी स्टमक की वॉल में या इंटेस्टाइन की वॉल में हमारा ये टिश्यू पाया जाता है कॉलमनर इपिथीलियम बिकॉज दे आर कॉलम लाइक इलांगेटेड कॉलमनर सेल। इनका फंक्शन है
ये सिक्रीटरी सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं और साथ साथ में एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। दे आर हेल्पिंग इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेस। कॉलमनर इपिथीलियम को अगर हम सेक्शनल व्यू में देखें तो सेक्शनल व्यू में हम लोग अपना स्टमक का एक सेक्शनल देखें, ये हमारा इंटेस्टाइन का एक्चुअली हमने एक सेक्शनल व्यू है। इस इंटेस्टाइन में सेल्स बहुत क्लियरली इलॉन्गेटेड सिलेंड्रिकल दिख रही होंगी, और इन सब में देखें कि इन सभी सेल्स में जो न्यूक्लियाई हैं दे आर लाइंग एट द बेस ऑफ द सेल एंड दे फॉर्म ए कॉलम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉलमनर इपिथीलियम। अब कॉलमनर इपिथीलियम के बाद हम डिस्कस करेंगे, हम लोग लर्न करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी जिसको हम लोग कहते हैं क्यूब, एक स्पेशल कैटेगरी है सीलिएटेड इपिथीलियम। इसको इसलिए सीलिएटेड इपिथीलियम कहते हैं बिकॉज यही जो आपके क्यूबॉइडल इपिथीलियम और कॉलमनर इपिथीलियम, इनकी अगर सरफेस के ऊपर सीलिया पाए जाए तो सरफेस पे सीलिया पाए जाने की वजह से दे बिकम सीलिएटेड, और सीलिएटेड इपिथीलियम बिकॉज दे हैव द सीलिया दैट्स व्हाई कॉल्ड सीलिएटेड इपिथीलियम। दीस इपिथीलियल सेल्स आर फाउंड इन फेलोपियन ट्यूब एंड ब्रॉन्कियोल्स। फेलोपियन ट्यूब, अब चूंकि इसमें सीलिया है, सीलिया का मेन फंक्शन होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, तो दैट्स व्हाई दे हेल्प इन द मूवमेंट मूवमेंट ऑफ म्यूकस और सम अदर पार्टिकल्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि जो हमारा फेलोपियन ट्यूब है, अगर हम याद करें, फेलोपियन ट्यूब में एग्स आर मूविंग, ओवम इज मूविंग, एंड ओवम के मूवमेंट को एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करने के लिए ये सीलिया विल हेल्प। सिमिलरली ब्रॉन्कियोस में म्यूकस को रेगुलरली वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहता है, दैट्स व्हाई दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द ट्यूब। एंड इन दिस वे वी हैव कम जस्ट लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ इपिथीलियल टिश्यूज। इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं मस्कुलर टिश्यूज, और यहाँ पर इसके पहले कि हम मस्कुलर टिश्यूज में आगे बढ़ें, एक वही सीलिएटेड इपिथीलियम का सेक्शनल व्यू है जो हमें एक्चुअल में दिखता है। ये हम लोगों ने एक इंटेस्टाइनल लेयर है जहाँ पे हमारे पास ये सीलिया जो है इस बहुत क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। ये तो आपका कॉलमनर इपिथीलियम का एग्जाम्पल है। सिमिलरली ये सीलिएटेड इपिथीलियम का एग्जाम्पल है जहाँ पे इसकी आउटर सरफेस की तरफ यहाँ पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड सीलिया। अब ये हम लोगों ने ऑल अबाउट इपिथीलियम के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी है टिश्यूज की वो है मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। अगर हम मस्कुलर टिश्यूज को देखें तो अब मस्कुलर टिश्यूज में ये यूजली एक इलॉन्गेटेड सेल्स के बने हुए, क्योंकि टिश्यूज हैं तो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी। यहाँ पर जो सेल्स हैं दे आर इलॉन्गेटेड, और इन इलॉन्गेटेड मसल सेल्स को हम लोग मसल फाइबर्स कहते हैं। मसल फाइबर की करेक्टरिस्टिक ये होती है कि इनमें एक मूविंग एबिलिटी होती है, दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इनमें कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है, और ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर से अपना शेप एक्वायर कर लेते हैं, यानी रिलैक्स हो सकते हैं। तो सिंस दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, इसलिए ये हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स या बॉडी के पार्ट्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ऑल द मसल्स दे आर हेल्पिंग इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, एंड दिस मूवमेंट इज बिकॉज दिस मसल फाइबर्स हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अब हम एक प्रश्न प्रश्न बनता हमारे सामने है कि आखिर ये मसल्स में ऐसा क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसकी वजह है कि इन सेल्स में, इन मसल फाइबर्स के अंदर एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के फाइब्रिल्स पाए जाते हैं, एंड दीज कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की फाइबरस दे कैन कॉन्ट्रैक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन ये अपना इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं एंड दे विल कॉज द कॉन्ट्रेक्टाइलिटी, एंड दैट्स वाई दीज मसल्स फाइबर विल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये मसल फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं? अगर हम बात करें मसल फाइबर्स के बारे में तो मसल्स जो है वो मेनली तीन कैटेगरीज की होती हैं, तीन टाइप की मसल्स होती हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स, दूसरी होती हैं स्मूथ मसल्स, और तीसरे टाइप की हैं कार्डियक मसल्स। हम लोग वन बाय वन
इन्हीं मसल्स को लर्न करते हैं, पहले हम बात करेंगे स्ट्रिएटेड मसल्स। ये हमारी बहुत कॉमन मसल्स हैं। ये हमारा जितनी भी हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, यानी कि जो बोन्स होती हैं, इन बोन्स से ये अटैच पाई जाती है, यानी दे आर फाउंड अटैच टू द स्केलेटन बोन्स। अब चूंकि हमारे ये स्केलेटन सिस्टम से अटैच रहती हैं, उससे जुड़ी रहती हैं, इसीलिए इन मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। ये सेल्स जो स्केलेटल मसल्स हैं, जो स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, दे आर इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल होती हैं और अनब्रांस्ड रहती हैं। इनमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। इनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई एक साथ में, लेकिन ऑल द न्यूक्लियाई आर प्लेस्ड एट द पेरीफेरी ऑफ द मसल फाइबर्स। यानी जो न्यूक्लियाई हैं वो मसल फाइबर की पेरीफेरी पे होते हैं, और इनका जो है प्राइमरी फंक्शन ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी फंक्शन बिकॉज दे आर अटैच विद द बोन्स। तो बोन्स की और मसल की हेल्प से कोई भी बॉडी, कोई भी एनिमल लोकोमोट करता है, मूव करता है, और साथ साथ में ये हमारे बॉडी पोस्चर को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है मसल्स। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितनी भी स्ट्रिएटेड मसल्स हैं, इनका जो फंक्शन है वो वॉलेंट्री होता है, यानी दे कैन वर्क एज पर विल ऑफ द इंडिविजुअल। जो एनिमल की जो विल होती है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। हम चाहें तो मूव कराएं, चाहे तो मूव ना कराएं किसी ऑर्गन को, इसका मतलब ये वॉलेंट्री इन फंक्शन। हम लोग इसको एक फिगर स्ट्रक्चर में देखें। देखिए ये बहुत एक अच्छा सा फिगर मसल फाइबर्स का ग्रुप है। इसमें हम देख रहे हैं पूरे मसल फाइबर में जगह जगह पर डार्क बैंड और लाइट बैंड्स पाए जाते हैं। इन्हीं को हम स्ट्राइशंस या स्ट्राइप्स कहते हैं। तो ये डार्क बैंड एंड लाइट बैंड्स दे आर ऑल्टरनेटिंग विद ईच अदर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स। और ये इनमें न्यूक्लियाई हैं व्हिच आर लोकेटेड एट द पेरीफेरी। ये पेरीफेरी के ऊपर पाए जाते हैं, और एक मसल में सेवरल न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, दे आर मल्टी न्यूक्लियाई। तो दिस इज अ वेरी गुड फिगर ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स, जिनको हम स्केलेटल मसल भी इसके बाद आगे हम मूव करते हैं स्मूथ मसल्स के बारे में। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? ये चलिए हमारी जो मसल्स हैं ये इलोंगेटेड फाइबर लाइक होती हैं, स्पिंडल शेप की होती हैं। स्पिंडल शेप का मतलब ये बीच में इन मिडिल पार्ट में तो ब्रॉड होती हैं और दोनों एंड्स के ऊपर नैरो होती हैं। तो इसको हम लोग फ्यूजी फॉर्म कहते हैं, टेक्निकल वर्ड फ्यूजी फॉर्म। तो सिंस दे आर फ्यूजी फॉर्म फाइबर्स, इनको हम, और इनमें जो है स्ट्राइएशंस नहीं, इसका मतलब इनमें डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स नहीं पाए जाते, इसीलिए इनको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। और जितनी भी स्मूथ मसल्स हैं इन ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ये हमारी विल से काम नहीं करते, दे कैन नॉट फंक्शन एज पर विल, दे विल वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक, डायरेक्टली ये अपने कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल में रहते हैं और ये अपने आप काम करते हैं, इसीलिए इनको हम इनवॉलेंट्री फंक्शंस कहते हैं। अगर हम लोग स्मूथ मसल्स को देखें तो यहाँ पर यूजली ये पाई कहाँ जाती हैं? जैसे हमारे जितने भी ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं उन सब में, जितनी ट्यूब्यूल्स हैं उन सब में स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, बिकॉज ट्यूब्स को हमें फ्लेक्सिबल बनाना है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन करना है। इसके अलावा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हमारे स्टमक की वॉल है वहां पर भी हमारी स्मूथ मसल्स होंगे, इंटेस्टाइनल वॉल में होंगे, यूरेथ्रा, ब्रोंकाई, इस सब जगह पे इनकी इंटायर वॉल जो है इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। इसीलिए हमारे सारे फंक्शंस ये हमारे इनवॉलेंट्रीली काम कर। अब हम लोग अगर इसको फिगर के फॉर्म में देखें तो ये हमारा, देखिए बहुत सिंपल सा एक फिगर है, ये हमारा मसल्स का एक कोलेबरेशन है, एक एग्रोमेशन है, और ये जो आपकी मसल्स हैं इनमें सभी ये स्पिंडल शेप की दिखाई पड़ रही है। इसका थोड़ा इलाबोरेटेड फॉर्म इधर दिख रहा है। ये हमारी मसल्स जो है इलोंगेटेड स्पिंडल शेप की हैं, एंड ईच मसल हैज अ सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। हर एक मसल में यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस होता है, जबकि हमने स्ट्राइप मसल्स में पता था वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस होता है। इस तरीके से स्मूथ मसल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्राइप मसल्स या स्केलेटल मसल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मसल्स जो है ये हमारे एक्सक्लूसिवली केवल एक ही ऑर्गन में पाई जाती है।
दे आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ दी हार्ट। ये हमारे हार्ट में की वॉल में पाई जाती हैं, और इनके बारे में खास चीज ये है कि ये मसल्स भी इलोंगेटेड फाइबर्स हैं, सिमिलर टू स्ट्रिएटेड मसल्स। लेकिन फर्क है कि स्ट्रिएटेड मसल्स आर अनब्रांच्ड एंड दीज मसल्स फाइबर्स आर ब्रांच्ड फाइबर्स। और यहाँ पर जो ब्रांचिंग है, जिस जगह पे मसल फाइबर आपस में अटैच होते हैं, उस जगह पर ये आपस में फ्यूजिंग जंक्शन बन जाता है। उस जंक्शन पॉइंट में को हम लोग इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। दे हैव इंटरकैलेटेड डिस्क एट सर्टेन पॉइंट्स या दिस फाइबर्स आर ज्वाइनिंग टुगेदर, जंक्शंस इज द कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। और इनके अंदर, इन फाइबर्स में, यानी जो कार्डियक मसल्स हैं, इनके अंदर यूजुअली 1 to 2 सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। अब हम लोग तीनों में डिफरेंस देखें तो तीनों के स्ट्रक्चर में क्वाइट डिफरेंस है। ठीक, यहाँ पर मसल फाइबर्स ब्रांच्ड हैं तो दे आर इलोंगेटेड, बट दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू इंटरकनेक्टेड डिस्क। तो अब सवाल है कि ये काम कैसे करते हैं। ठीक, तो ये जो इंटरकनेक्टेड डिस्क हैं, ये एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क, दे आर वर्किंग एज एन कम्युनिकेशन जंक्शन, ताकि पूरा का पूरा जो मसल फाइबर्स हैं सारी, वो एक साथ एक यूनिट के रूप में काम करें, ये इंडिपेंडेंट ना काम करें। दे विल वर्क एज ए यूनिट और पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, क्योंकि हार्ट इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन और कंटिन्यूस काम करता रहता है। और इन मसल्स में खास चीज ये है कि ये मसल्स जो हैं, इनमें जो रिदमिक कॉन्ट्रक्शन रिलैक्सेशन है, ये कॉन्टिन्यूस होता रहता है विदाउट एनी फटीगनेस। इसमें फटीगनेस नहीं होती, ये थकती नहीं है। नॉर्मली जब हमारी कोई भी मसल्स जो काम करती हैं, और हम मसल्स को देखें, तो मसल्स को जब हम कॉन्टिन्यूस काम करते हैं तो वो यूजली उनमें फटीगनेस फील होने लगती है। हम लोग जब कभी एक रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, तो व्हाट विल हैपन इफ वी कंटिन्यूसली परफॉर्म ए रिगरस एक्सरसाइज, देन वी फील क्रैम्प्स इन अवर मसल्स। हमारे मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते, क्यों? उसकी भी वजह है, क्योंकि जब हम मसल्स को कंटिन्यूस हमारे काम करती हैं तो उनको एनर्जी की नीड ज्यादा, और हमारे सेल्स में जब हम एनर्जी की नीड है और हम काम ज्यादा कर रहे हैं, हमारे सेल्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है मसल्स में। ऐसे केसेस में वो हमारी जो मसल सेल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, दे विल वर्क लाइक एक्ट एज ए, ये एनारोबिकली हमारे फूड को ब्रेक कर रहे हैं, एंड लैक्टिक एसिड गेट डिपॉजिट, एंड दैट एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड विल कॉज द क्रैम्प्स इन द मसल्स। लेकिन कार्डियक मसल्स कंटिन्यूअस काम करती हैं, उनमें फटीग नहीं आता, फटीगनेस नहीं आती, दे आर फटीगलेस मसल्स, और ये कंटिन्यूस वर्क करती हैं। और इसके साथ साथ में इनमें इनवॉलेंट्री हो, दे विल आल्सो अकॉर्डिंग, ये हमारी विल के हिसाब से नाम में काम नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप ऑटोमेटिकली ये फंक्शंस करने लगती हैं, और इसीलिए इनको हम इनवॉलेंट्री। इसका मतलब कार्डियक मसल्स आर इंटरमीडिएट टाइप, इनमें इसका स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर टू स्ट्रिएटेड मसल्स, स्केलेटल मसल, बिकॉज इनमें भी डार्क बैंड और लाइट बैंड दिखते हैं, और साथ साथ में ये जो है इनमें न्यूक्लियाई हुए। लेकिन जो ये इनवॉलेंट्री फंक्शन है, जो स्मूथ मसल्स से काफी सिमिलरिटी शो करता है, तो दे आर इन बिटवीन बोथ। तो अगर हम लोग फिगर के हिसाब से देखिए, देखिए ये हमारा हार्ट है, ये हमारी मसल्स है, यहाँ पर ये ब्रांचेस हैं, और ये हमारे यहाँ पे इंटरकनेक्टेड डिस्क दिख रहे हैं। ये जो है आपके कम्युनिकेशन जंक्शन की तरह काम, तो एग्जैक्टली ये हमारा कार्डियक मसल्स है। ये आई थिंक हम लोगों ने जी मसल्स मिक्स जंक्शन की तरह काम करती है सर। माफ़ करूँगी, माफ़ कीजिएगा, आपको बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगी कि समय की कमी है तो हमें अपने इस विषय को यहीं पर समेटना होगा। बाकी का जो इसका इस चैप्टर का जो पार्ट है वो हम अपने दूसरे सेशन में उसको कवर अप करेंगे। सर आपको बीच में मैंने इंटरप्ट किया, एक बार फिर से आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी सर। क्योंकि समय का हाँ अभाव समय, रहता है, हम जी लोगों की बिल्कुल मजबूरियां होती हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला और हमारे स्टूडेंट को इतने विस्तार से और इतने अच्छे से टिश्यूज़ के बारे में समझाया, इस टॉपिक के विषय में एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अभी के लिए हमारे इस सेशन में इतना ही, लेकिन इसी के साथ ये सेशन अभी ख़त्म हो रहा है, लेकिन लगातार हम अलग अलग समय पे, चाहे वो सुबह के 8 बजे हों आपके लिए योगा का कार्यक्रम लाना हो, या दोपहर को 12 बजे टीचिंग लर्निंग इंक्लूसिव एजुकेशन का, लर्निंग का कार्यक्रम हो वो हो, या फिर शाम को 5 बजे आपके लिए सहयोग सेशन हो, जो हमारे शिक्षक मित्रों के लिए, बच्चों के लिए क्लास 1 से 12 और अभिभावकों के लिए, सबके लिए कार्यक्रम है। तो लगातार आप NCERT यूट्यूब ऑफिशियल पर ये कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, आप उस पर भी स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग कक्षा के हिसाब से जो अलग अलग हमारे चैनल्स हैं, बिटवीन क्लास 1 टू 12, तो उसके अनुरूप भी आप हमारे कार्यक्रम लगातार देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।